त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हमारे इंडियन त्योहारों का मतलब है ढेर सारी मिठाइयाँ। मार्केट से तो हम अक्सर मिठाइयाँ खरीद कर लाते ही हैं, क्यों ना हम इस बार इन्हें घर पर ही बना के तैयार करें। तो मैं लाई हूँ आपके लिए डबल फ्लेवर चॉकलेट मावा बर्फी की रेसिपी, इसे आप 2-in-1 मिठाई भी कह सकते हैं। ये मिठाई देखने में तो ब्यूटीफुल होती ही है, साथ ही टेस्ट में बहुत डिलीशियस होती है। इसे आप मेहमानों को बना के खिलाएंगे तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी अच्छी मिठाई आपने घर पे बना के तैयार की है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन मावा बर्फी बना के तैयार करेंगे, तो उसके लिए गैस पर कढ़ाई या पैन गर्म होने के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम खोया, जिसे कि मावा भी कहते हैं। आप यहाँ पर होममेड खोया का भी यूज कर सकते हैं। होममेड खोया की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अब हम खोया को पैन में डाल देते हैं। 90 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी ली है, इसे भी हम पैन में डाल देते हैं। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लगातार चलाते हुए मावे की अच्छे से सिकाई करेंगे, साथ ही चीनी को भी मावे में मिक्स करते जाएंगे। मैंने खोया को ग्रेट कर लिया था ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आप भी खोया को ग्रेट या क्रम्बल कर ही यूज करें। तो बस हमें इसे ऐसे ही चलाते हुए भुनना है और हमें इसकी सिकाई तब तक करनी है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसका कच्चापन पूरी तरह से नहीं निकल जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि जो खोया है उसने धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू कर दिया है और हमने इसमें जो चीनी डाली थी वो भी मेल्ट होने लगी है। आप चाहें तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं। खोया की सिकाई करते वक्त ध्यान रखें कि हमें इसे लगातार चलाते रहना है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो हमारा खोया है वो तली से लगकर जल भी सकता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूसली तली से लगाते हुए चलाते रहेंगे। तो देखिए खोया एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है। यहाँ आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि मावे का अपना फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं इसे प्लेन ही रख रही हूँ। खोया की सिकाई करते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसका कच्चापन अच्छे से निकल गया है, कलर भी पहले से काफ़ी चेंज हो गया है और जो खोया है उसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी जो खोया है वो एकदम अच्छे से सिक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, लेकिन क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम खोया को ऐसे नहीं छोड़ेंगे और इसे 1 मिनट तक लगातार और चलाते रहेंगे। तो 1 मिनट तक इसे चलाने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे जमाएंगे। बर्फी को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर कांच का ये डिश लिया है। आप इसकी जगह बर्फी जमाने की ट्रे, केक टिन या किनारों वाली प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिश को घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। घी से अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद में हम इसके अंदर बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने से बर्फी को बाहर निकालने में बहुत ही आसानी रहती है। बटर पेपर पे भी हल्का सा घी लगा देंगे। अब हम इसमें अपना खोया और चीनी का मिश्रण डाल देंगे। मैंने स्पैचुला पे भी हल्का सा घी लगा लिया है। अब हम मिश्रण को अच्छे से फैला लेंगे और इसे ऊपर से अच्छे से लेवल में कर लेंगे। तो मैंने बर्फी को ऊपर से एकदम अच्छे से लेवल में कर लिया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर भी सेट कर सकते हैं। और जब तक ये बर्फी सेट हो रही है तब तक हम अपनी चॉकलेट बर्फी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए मैंने फिर से पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। अब मैं फिर से यहाँ पर 250 ग्राम खोया ले रही हूँ, जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसे भी हम पैन में डाल देते हैं। 250 ग्राम खोया मैंने पहले लिया था और इतना ही अभी ले रही हूँ, यानी इस बर्फी को बनाने के लिए टोटल मैंने यहाँ पर 500 ग्राम खोया का यूज़ किया है। 90 ग्राम ही चीनी ली है, इसे भी हम पैन में डाल देते हैं। अब क्योंकि हम चॉकलेट बर्फी बना रहे हैं तो बर्फी को चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून कोका पाउडर लिया है, इसे भी हम पैन में डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ही मावे की सिकाई करेंगे। जिस तरह से हमने प्लेन मावा बर्फी बना के तैयार की थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये चॉकलेट बर्फी भी बना के तैयार करनी है। तो जैसे जैसे हम इन्हें धीमी आंच पर भुनेंगे मावा और चीनी मेल्ट होने लगेंगे। तो बस ऐसे ही हमें लगातार चलाते हुए मावे की सिकाई करनी है। मावा बर्फी की तरह ही चॉकलेट बर्फी को भी हमें 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भुनना है। तो इसे भी भुनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और जो खोया है उसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी हमारा जो खोया है वो अच्छे से सिक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद 1 मिनट इसे भी थोड़ा सा और चला लेंगे ताकि जो खोया है वो गर्म कढ़ाई से लगकर जले नहीं।
अब 5 मिनट के लिए हम इसे भी ठंडा होने देंगे और फिर इसकी बर्फ़ी जमा देंगे। तो 20-25 मिनट रखने के बाद जो हमारी मावा बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो गई है और हल्की हल्की जमने लगी है। अब जो चॉकलेट बर्फ़ी का मिक्सचर है उसे हम मावा बर्फ़ी के ऊपर डाल देंगे और मावा बर्फ़ी के ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर इसे ऊपर से अच्छी तरह लेवल में कर लेंगे। तो मैंने इसे ऊपर से अच्छी तरह लेवल में कर लिया है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रखकर भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने बर्फ़ी को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और हमारी बर्फ़ी जमकर बिल्कुल तैयार है। अब हम बर्फ़ी को डिश में से बाहर निकाल लेंगे। अब इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बर्फ़ी को पीसेस के अंदर कट कर लेते हैं। तो आप इसके बड़े छोटे जैसे भी पीसेस चाहें अपनी पसंद से कट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी डबल फ्लेवर चॉकलेट मावा बर्फी बनके बिल्कुल तैयार है। देखने में ये बिल्कुल मार्केट की बर्फी की तरह दिख रही है और लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने घर पे बना के तैयार किया है। और टेस्ट में तो ये मार्केट की बर्फी से भी ज्यादा अच्छी है। अब मैं आपको एक बर्फी तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए, एकदम सॉफ्ट बर्फी बनके तैयार हुई है और कितनी आसानी से ये टूट रही है। तो इस त्योहार पे बाहर की मिलावटी मिठाइयों को अवॉइड कीजिए और घर पर ही शुद्ध मिठाई बनाकर तैयार कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दिवाली।